हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम ताजे मटर से केवल एक चम्मच तेल से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप सूजी। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप फ्रेश दही, 1/2 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए ढककर अलग रखेंगे। अब हम मिक्सी के छोटे जार में डालेंगे 1 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक, 2 लहसुन की कली और इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप फ्रेश मटर के दाने और अब हम मिक्सी को कुछ सेकंड चलाते हुए इसे पीस लेंगे। हमें इसे दरदरा रखते हुए पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो इस प्रकार से मटर को हमने पीस लिया है। अब हम गैस ऑन करके पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून राई। कुछ सेकंड इसे फ्राई करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे मटर जो हमने पीस कर रखे थे। मटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। खटाई के लिए आप इसमें नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 2 से 3 मिनट पकने के बाद एक बार मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू को हमने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिये को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर का मसाला बनकर तैयार है। अब हम मसाले को थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद थोड़ा थोड़ा मसाला लेते हुए अब हम इसकी टिकिया बनाएंगे। इस मसाले से 7 से 8 टिकिया हम बनाकर तैयार करेंगे। तो सारी टिकिया हमने बना ली है, अब हम इसे अलग रखेंगे। बेटर को रखे भी 1/2 घंटा हो गया है। सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। पानी हमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 2 से 3 चम्मच पानी और डालेंगे और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। बेटर की कंसिस्टेंसी हमें इडली के बेटर के जैसी रखनी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून इनो डालेंगे। इनो को एक्टिवेट करने के लिए ऊपर से 1 चम्मच पानी डालेंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे। इनो डालने के बाद बेटर को हमें ज़्यादा देर तक नहीं मिक्स करना है। अब हम तुरंत नाश्ता बनाएंगे। गैस ऑन करके पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। पैन में थोड़े से राई के दाने डालेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा बेटर डालेंगे और अब हम इसमें बीच में मटर की टिकिया रखेंगे और ऊपर से इसे बेटर से कवर कर देंगे
और अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद अब हम इसे चेक करेंगे। ऊपर से नाश्ता ड्राई हो गया है तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अब हम इसे पलटेंगे और 2 से 3 मिनट तक फिर से इसे ढककर पकने देंगे। दो से तीन मिनट बाद नाश्ता बनकर तैयार है तो अब हम इसे निकालेंगे और इसी प्रकार से बाकी का नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लेंगे। गर्मा गर्म नाश्ते को हम कट कर सर्व करेंगे। नाश्ते को हम ग्रीन चटनी, कोकोनट चटनी या सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ठंड के दिनों में ताजे मटर से बने इस चटपटे नाश्ते की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।